Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic of the abstract algebra, that is the group of all congruence class modulo n, and after completion of this we will go to find order of an element and so many problems related to the order of an element. Before we start to this topic, I want to say that each and every topic of abstract algebra are interrelated. So please follow the previous video lecture. The link is in the notification panel. Then start this topic. So let us start with the topic now. So in number theory, I have told you about the residue class or the congruence class of integer modulo n, जिसको हम लोग z's n से denote करते हैं और जिसको हम लोग CRS mod n भी कहते हैं, complete residue system modulo n. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो नंबर थ्योरी में है. अगर उसको तुम लोग देखना चाहते हो उसको तुम लोग देख सकते हो. लिंक नोटिफिकेशन पैनल में तुम लोग को दिख जाएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रेसिड्यू क्लास. तो इंटीजर क्लास या फिर रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो इन, इसका मतलब यह होता है कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है, देन वी विल डिवाइड दैट इंटीजर बाय एन. आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर इंटीजर बाय एन, इट लीव्स रिमाइंडर 01 अप टू एन माइनस 1. कोई भी नंबर को अगर एन से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, 01 अप टू एन माइनस 1. Now for each and every residue or remainder we have a distinct congruence class or complete congruence class. We can say the collection of all this consists of complete congruence class. So इसको हम लोग integers zn से denote करते हैं set के अंदर, और वो elements हो जाता है 0 bar, 1 bar, 2 bar up to n minus 1 bar. यहाँ पे मैं इसको discuss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग ये जानते हो और number theory में मेरा नोट फॉलो कर चुके हो, तो मैं इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए चला जाऊंगा. ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस इस सेट के ऊपर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस. एक होता है प्लस एन और एक होता है डॉट एन. प्लस एन और डॉट एन का मतलब यह होता है, प्लस एन का मतलब नॉर्मल एडिशन नहीं है, प्लस एन का मतलब होता है एड करेंगे, एड करने के बाद एन से उसको डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको एन से डिवाइड करेंगे. And the addition is defined by this a bar plus n b bar, that is equals to a plus b whole bar under modulo n. a bar dot n b bar, that will be equals to a dot b whole bar modulo n. ठीक है? With respect to plus n, Zn forms an abelian group where 0 bar, we will see that 0 bar will be the identity element. But with respect to dot n, Zn does not form an group because of the fact that 0 bar has no multiplicative inverse. These two statements are very very important. ये exam में भी आता है proof करने के लिए. ठीक है, मैं यहाँ पे दो तीन problem से ये बात तुम लोग को समझा देता हूँ. तो हर वक्त याद रखना कि plus n के respect में zn group form करता है लेकिन dot n के respect में group नहीं form नहीं करता है. इसका मतलब ये है कि ये जो binary operation मैंने यहाँ पे define किया है इसके respect में zn group form नहीं करेगा क्योंकि 0 bar का कोई inverse नहीं मिलेगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये फॉर्म करेगा जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 0 बार. यहां पे मैंने जो लिखा है 0 बार. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू प्रूफ. तो प्रूफ दैट, यहां पे एक क्वेश्चन है, z5 विद रेस्पेक्ट टू प्लस n फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप. ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो. तो 5 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स बचता है 01 अप टू 4. तो मैंने यहां पे लिखा है क्लासेस आर 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये सभी क्लास है. ठीक है, एक एक क्लास के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. 0 बार का मतलब है जो नंबर्स 5 का मल्टीपल है, 1 बार का मतलब है जो नंबर 1 रिमाइंडर छोड़ता है, 2 बार का मतलब जो नंबर 2 रिमाइंडर छोड़ता है आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 5. ठीक है, तो प्लस एन का मतलब क्या था, यहाँ पे प्लस एन का मतलब ये था a प्लस b करना है, उसका बार लेना है. तो इसका मतलब बार का मतलब ही होता है कि मॉड एन से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये मॉड एन तुम लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. ठीक है, बार देने का मतलब ही होता है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एन से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनका वैल्यू कितना है, 5 है. ठीक है, अच्छे से समझना. तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो ये सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ग्रुप होगा तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा. फाइनाइट ग्रुप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बोला है तुम लोगों को, उसको फॉलो कर लो. ठीक है, अभी प्लस एन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, देखो 0 बार को 0 बार से ऐड कर दो तो 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 बार. 0 बार के साथ कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करके सभी एलिमेंट वापस आ जाता है.
तो यहां से ही हम लोग को पता चल जाता है कि जीरो बार एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट बैक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो बार इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एन, ये सभी हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट चले आते हैं वन बार पे, तो वन बार प्लस जीरो बार करेंगे दैट इज इक्वल टू वन बार, वन बार प्लस वन बार दैट इज इक्वल टू टू बार, वन बार प्लस टू बार दैट विल बी इक्वल टू थ्री बार, वन बार प्लस थ्री बार दैट विल बी इक्वल टू फोर बार। अभी चलो लास्ट देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वन बार प्लस फोर बार, तो वन बार प्लस फोर बार करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दैट विल बी वन प्लस फोर होल बार। तो वन प्लस फोर होल बार इसका मतलब क्या होगा, वन प्लस फोर होल बार का मतलब होता है फाइव बार। अभी क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ फाइव लिखेंगे, तो फाइव को फाइव से अगर डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो। सो वन बार प्लस फोर बार दैट विल बी इक्वल टू जीरो बार। ठीक है, कॉम्पोजिशन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तीसरा स्टेप पे चले जाते हैं, टू बार प्लस जीरो बार दैट विल बी इक्वल टू टू बार, क्योंकि इसका वैल्यू फाइव से छोटा है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। टू बार प्लस वन बार दैट इज इक्वल टू थ्री बार, टू बार प्लस टू बार दैट विल बी इक्वल टू फोर बार, टू बार प्लस थ्री बार दैट इज इक्वल टू फाइव बार। फाइव बार का मतलब क्या है, फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो बार हो जाएगा। अभी टू को टू प्लस फोर करेंगे तो टू प्लस फोर करेंगे तो क्या होगा, फोर बार, टू प्लस फोर बार मीन्स टू प्लस फोर होल बार दैट इज इक्वल टू सिक्स बार। तो सिक्स बार का मतलब क्या होता है, फाइव से सिक्स को डिवाइड करना है रिमाइंडर क्या होता है, तो सिक्स को फाइव से डिवाइड करो रिमाइंडर हो जाता है वन, तो इसका वैल्यू होगा वन बार। ठीक है, तो इसका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि जो एन होगा, कोई भी नंबर्स को यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर उसका वैल्यू एन से ज्यादा हो जाता है तो सिंपली हम लोग एन से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर, नाउ बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल कंपोजिशन टेबल। सो यू कैन सी दैट आफ्टर सीइंग दिस कंपोजिशन टेबल नो एलिमेंट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर बार, कोई भी एलिमेंट इस एलिमेंट के बाहर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ये कॉम्पोजिशन टेबल के अंदर नहीं है, जो भी एलिमेंट है वो जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो चुका है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एन क्लोज्ड हो चुका है। अभी ऑब्वियसली ये एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, से वी आर कंसिडरिंग थ्री एलिमेंट ए बार, बी बार, सी बार बिलोंग्स टू जेड एन, देन ए बार प्लस एन, बी बार प्लस एन, सी बार दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी होल बार होगा पहले, क्योंकि ये दोनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से अगर प्लस इन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी होल बार। तो इसका मतलब ये हो जाता है, अगर तुम तीनों एलिमेंट को एक साथ करना चाहते हो तो तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद उसका वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू जो निकलेगा उसको एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर कोई पूछना चाहता है कि सर मैंने टू बार, थ्री बार और फोर बार को लेना है, तो टू बार प्लस थ्री बार प्लस फोर बार का वैल्यू क्या होगा, देखो टू प्लस थ्री क्या होता है फाइव, फाइव प्लस फोर क्या होता है नाइन, तो नाइन को फाइव से डिवाइड कर दो, तो नाइन को अगर तुम लोग फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, फाइव हो जाता है, फोर हो जाता है, तो टू बार प्लस थ्री बार प्लस फोर बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर बार हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग एंड वी कैन सी दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। नाउ ऑब्वियसली फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल यू कैन सी दैट व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर एडेड टू जीरो बार, द एलिमेंट्स आर कमिंग बैक, द एलिमेंट्स आर कमिंग बैक फ्रॉम द फर्स्ट रो, यू कैन सी ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम इट फर्स्ट कॉलम, सो वी कैन डिक्लेयर दैट जीरो बार इज नथिंग बट द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जीरो बार तो आइडेंटिटी हो गया, अभी इनवर्स ढूंढेंगे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ऐसा एक एलिमेंट है जिसके साथ दूसरा एक एलिमेंट को हम लोग को कंपोज करना है, कंपोज करने के बाद ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट बैक होता है, तो यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला है, जीरो बार मिला है। ठीक है, जीरो बार इज नथिंग बट आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टू व्हिच जीरो बार विल बी एडेड प्लस एन विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एन द जीरो बार विल कम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट रो पे जीरो बार यहाँ पे मिल रहा है, तो जीरो बार का इन्वर्स क्या हो गया, जीरो बार हो गया। सेकेंड रो पे वन बार यहाँ पे कहाँ पे जीरो बार मिल रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वन बार के साथ हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, फोर बार को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, जीरो बार मिल रहा है, तो वन बार का इन्वर्स क्या होगा, फोर बार। टू बार के साथ हम लोग थ्री बार को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो बार आ जाता है। थ्री बार के साथ हम अगर टू बार को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीरो बार आ जाता है। फोर बार के साथ अगर वन बार को ऐड करते हैं तो जीरो बार आ जाता है। तो जीरो का इन्वर्स जीरो है, वन का इन्वर्स फोर है, टू का इन्वर्स थ्री है, थ्री बार का इन्वर्स टू बार होगा, फोर बार का इन्वर्स होगा वन बार। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स का एडिटिव इन्वर्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। नाउ वी हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर that if the composition table is symmetrical with respect to the principal diagonal,
देन द ग्रुप विल बी ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट एन एबेलियन ग्रुप। तो एबेलियन ग्रुप हो गया। अभी चले आते हैं डॉट के रिस्पेक्ट में। सपोज एग्जामिन इफ जेड फाइव विथ रिस्पेक्ट टू डॉट फॉर्म्स एन ग्रुप ऑर नॉट। सो डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, सिंपल सा होगा। सिंपली क्या करना है, हम लोगों को दोनों प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद जो एलिमेंट होगा उसको फाइव से डिवाइड करना है। एन का मतलब यहाँ पे फाइव है, तो फाइव से उसको डिवाइड करेंगे। सो जीरो बार, वन बार, टू बार, फोर बार, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। अभी देखो जीरो बार के साथ कोई भी एलिमेंट को तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे और उसको फाइव से डिवाइड करोगे तो वो जीरो बार ही आएगा। दैट इज नथिंग बट ऑल द एलिमेंट्स बिकम जीरो बार। तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि जीरो बार क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट के साथ अगर दूसरा कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा एलिमेंट वापस आता है, पहला एलिमेंट वापस नहीं आता है। तो जीरो बार के साथ अगर कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो बार ही आ रहा है, ठीक है, वन बार टू बार नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दैट इज जीरो बार इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉट, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डॉट एन। लेकिन प्लस एन के रिस्पेक्ट में जीरो बार आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा था, ठीक है। अभी वन बार पे चले आते हैं। व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई वन बार विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी कैन सी दैट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज कमिंग बैक, दैट इज नथिंग बट वन बार बिकम्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर तुम लोग देख सकते हो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं एक ही सेट के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफर कर रहा है। एक तो प्लस एन के रेस्पेक्ट में जीरो बार हो रहा था, यहाँ पे डॉट एन के रेस्पेक्ट में वन बार हो चुका है। अभी टू बार से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, टू बार इंटू वन बार तो टू बार होगा, टू बार इंटू टू बार फोर बार होगा, फाइव से छोटा है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। टू बार इंटू थ्री बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिक्स बार हो जाएगा। तो सिक्स बार का मतलब क्या होता है, सिक्स बार का मतलब होता है सिक्स को फाइव से डिवाइड करो, सिक्स को फाइव से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाता है, वन। तो दैट इज इक्वल टू वन बार। थ्री, टू बार इंटू फोर बार करो तो टू इंटू फोर क्या होता है, एट बार। तो एट को फाइव से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा, थ्री होगा, तो थ्री बार होगा। ऐसे करके मैंने कॉम्पोजिशन टेबल को लिखा हुआ है। आफ्टर शोइंग दिस कॉम्पोजिशन टेबल यू कैन सी दैट द टेबल इज वेरी वेरी क्लोज्ड। व्हाई, बिकॉज नो एलिमेंट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस टेबल। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट द कॉम्पोजिशन टेबल इज क्लोज्ड, दैट इज जेड फाइव इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट एन। Also, we can see that the associative property hold. Moreover, one bar is nothing but the identity element. Obviously, so देखो अगर groupoid होने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए था, closure property. तो closed हो चुका है, तो z5 with respect to dot n is a groupoid. Next चले आते हैं associative property, उसके लिए क्या हो जाता है, semi group. अगर semi group होगा उसके लिए groupoid होना चाहिए, उसके साथ associative property satisfy करना चाहिए था, ठीक है। तो ये semi group भी है, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ग्रुपॉइड है, उसके बाद सेमी ग्रुप है, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनॉइड। तो ये मोनॉइड भी है, क्लियर। सो दिस बिकम्स ए मोनॉइड। बट हियर जीरो बार का इनवर्स क्या होना चाहिए, वी हैव द केस दैट इज वन बार इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो वन बार हम लोग को लाना है जीरो बार से, ठीक है। तो जीरो बार को कौन सा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वन बार देता है, देखो कहीं पे है, जीरो बार को कई भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो बार ही दे रहा है, वन बार तो नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन वन बार का इनवर्स वन बार है, टू बार का इनवर्स थ्री बार है, क्योंकि टू इंटू थ्री बार कर रहे तो वन बार मिल रहा है। थ्री बार का इनवर्स टू बार है, थ्री इंटू टू कर रहे तो वन बार मिल रहा है। फोर बार का इनवर्स फोर बार खुद है, फोर इंटू फोर करेंगे तो वन बार आएगा। तो वन टू थ्री फोर सभी का इनवर्स है, लेकिन जीरो बार का इनवर्स नहीं है। लेकिन इनवर्स सभी एलिमेंट का होगा तभी ना जाके ग्रुप होगा, तो जीरो बार हैज नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए ग्रुप। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग यू वांट टू सी फ्रॉम दिस कॉम्पोजिशन टेबल, इफ यू डिलीट द फर्स्ट कॉलम एज वेल एज द फर्स्ट रो, दैट इज यू आर निग्लेक्टिंग जीरो बार फ्रॉम जेड फाइव। जीरो बार को हटा दो यहां से, जेड फाइव से हटा दो, और बाकी जो टेबल यहां पे बचता है, जो वन टू थ्री फोर का टेबल बचता है, ये टेबल को देखो, तो ये टेबल क्या होगा, ग्रुप होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट सेज दैट जेड फाइव माइनस जीरो बार विद रिस्पेक्ट टू डॉट इन फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप। Now one thing I have to say that always remember this fact that this quantity that is Zn minus 0 bar with respect to dot n, it will form a group if and only if n is a prime number, ठीक है। अगर n का value prime number होगा तो वहां से अगर z5 जो Zn होगा वहां से अगर हम लोग 0 bar को हटा देंगे with respect to dot n, it will form a group, clear? अच्छा, next चले आते हैं हमारा जो आज का topic है, next topic है that is order of an element. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, क्लियर।
Now, to go to the order of an element, first of all, we have to know about the integral power of an element. So, integral power kya hota hai, dekho. Suppose G not be a group and A be any arbitrary element of the group. Abhi, G to not ke respect mein group ho chuka hai, to iska matlab closure property satisfy ho raha hai. To closure property ka matlab kya hota hai? Closure property ka matlab ye hota hai ki koi bhi element tum log G se choose karo, usko tum jitna times compose karoge koi bhi element ke saath, तो वो सभी एलिमेंट कहां पे रहेगा? जी के अंदर ही रहेगा. इफ यू टेक एनी टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट, फोर एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप, आफ्टर टेकिंग द कंपोजिशन, द ऑल एलिमेंट्स विल बी द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. ओके, सो वी आर टेकिंग एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन वी टेक द कंपोजिशन ऑफ ए विथ इटसेल्फ एन टाइम्स. ठीक है, ए को ए के साथ ही कंपोज करेंगे एन टाइम्स, तो उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एन. ठीक है, तो इंटीग्रल पावर का मतलब ये होता है सिंपली, whenever you take any arbitrary element from the group and you are taking the composition of the element with itself several times, n times, m times, k times, etc., that will be in the power of a. ठीक है, n times इसको compose करेंगे तो n, a का power n हो जाएगा. इसको हम लोग कहते हैं integral power. तो a to the power अगर n हो जाएगा तो due to closure property a to the power n तो g का ही element होगा, because g is closed with respect to not. If a to the power n belongs to g, then इसका inverse कहाँ पे रहेगा? g के अंदर रहेगा. ठीक है, तो a to the power n whole inverse, इसका मतलब है a to the power minus n also belongs to g. Clear? तो ये हो जाता है composition के respect में, ये general definition है. अभी अगर with respect to class कहाँ है, specific एक composition कहाँ है, say g with respect to class forms a group, then the composition is given by this, that is n times हम लोग इसको compose ऐसे करेंगे. कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? एन टाइम इसको ऐड करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू एन ए. नेक्स्ट वी गो टू द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप वेरी इजी क्वांटिटी, दैट इफ ग्रुप कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट. ग्रुप में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो ही हो जाएगा ग्रुप का ऑर्डर. सपोज ग्रुप के अंदर 10 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप विल बी 10. ग्रुप के अंदर 20 एलिमेंट्स है तो ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 20. ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इन केस फॉर द फाइनाइट ग्रुप. बट इफ द ग्रुप कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, देन वी से द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इनफाइनाइट. क्लियर? नेक्स्ट चले आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप. बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप? लेट जी नॉट बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एन if there exists a least positive integer n such that a to the power n equal to e, then we write it as order of a equal to n. Bahut hi acche se samjhna. A be any element of the group and we are saying that order of the element is n. If we can find out a least positive integer, sabse chota integer n hum log ko dhoondna hai, जिसके लिए a को minimum times उस हम compose करेंगे और composition का value क्या हो जाएगा? Identity element होगा. ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ई. ए टू दी पावर एन के बारे में तुम लोगों को मैंने अभी बताया था. ए टू दी पावर एन का मतलब होता है ए को एन टाइम्स कंपोज करना होता है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू दी पावर एन विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. ये बात हमेशा याद रखना है, दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन. समझ लो, हम लोग दो तीन एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं. सपोज फॉर द ग्रुप दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, That s equals to 1 omega omega square with respect to dot. ये group form करता है. इसका video मैंने previous class में तुम लोगों को दिया हुआ है. इसको check कर लो. Now this forms a group where we can see that with respect to multiplication, 1 is nothing but the identity element. तो यहाँ पे e का value क्या है? e का value है 1. तो हम लोग क्या चाहते हैं? omega का order निकालना चाहते हैं. ठीक है? omega का order क्या होगा? देखो, omega to the power 1 that is equals to omega. omega to the power 2 that will be equals to omega square. omega to the power 3 that will be equals to 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है. अभी ओमेगा टू दी पावर 6 करेंगे उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. ओमेगा टू दी पावर 9 करेंगे उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. तो अभी देख सकते हैं हम लोग 3, 6, 9 अगर ओमेगा का पावर होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1. तो ओमेगा का पावर मिनिमम कितना होता है उसके लिए हम लोग 1 को पाते हैं. 1 इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट. ओमेगा का मिनिमम कितना पावर होगा उसके लिए हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है 3 होने के लिए. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 3. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर. ये तुम लोग चेक करो खुद से कि इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3 होगा. ठीक है, समझ में आ गया ऑर्डर कैसे निकालना है? दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वी हैव टू फाइंड आउट सच दैट ए टू द पावर एन विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. क्लियर?
ओके सो लेट अस गो टू द सम प्रॉपर्टीज. दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखो ये ऑनर्स का नोट नहीं है, ये तुम्हारे इंजीनियरिंग सिलेबस का नोट है, इसीलिए यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन ये प्रॉपर्टी हम लोगों को लगेगा, ठीक है. ये प्रॉपर्टी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है. तो प्रॉब्लम मैं प्रॉपर्टी तुम लोगों को समझा देता हूँ. लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, देन इट सेज दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बोथ विल बी इक्वल. तो कोई भी एक ग्रुप तुम ले लो, उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है. तो एक एलिमेंट का ऑर्डर जितना होगा उसका इनवर्स का ऑर्डर भी उतना ही होगा. हम लोग ये चेक कर सकते हैं. अभी जो एग्जाम्पल मैंने कहा था, तुम लोग जाके चेक कर लो, ओमेगा का इनवर्स हो जाता है ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स होता है ओमेगा. तो जैसे ही हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो विल बी इक्वल टू 3, ठीक है. तो एलिमेंट और उसका इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है. क्लियर. नेक्स्ट चले आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है. इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड ए टू दी पावर एम इक्वल टू ई, देन एन मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ एम. ये तो होना ही है, क्योंकि मैंने यहां पे क्या बोल रहा था, एन क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अगर एन होगा, ए टू दी पावर एम इक्वल टू अगर ई होगा, तो इसका मतलब एन मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ एम. इसको भी हम लोग सोच सकते हैं प्रीवियस से. देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमेगा हम लोग को क्या मिला था, 3 मिला था. तो इसके बाद हम लोग को 1 कहां पे मिलता है, 3 का मल्टीपल है 6, 3 का मल्टीपल है 9, 3 का मल्टीपल है 12, 3 का मल्टीपल है 27. तो ओमेगा का पावर अगर 9 होगा, 6 होगा, 27 होगा, 18 होगा, तो जाके हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन हो रहा है और ए टू दी पावर एम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एन मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ एम, और वी कैन से एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं. और इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम इक्वल टू एन बाई जीसीडी ऑफ एम एन. कैसे ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, देखो कोई भी एक एलिमेंट का अगर स्पेसिफिक ऑर्डर मालूम है एन, और वही एलिमेंट का कुछ पावर का ऑर्डर हम लोग को निकालना है, ठीक है. वी हैव द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ सम पावर, पॉजिटिव पावर. So order of a to the power m will be equals to n by GCD of m and n. Okay, by which we can find out the order. Next chale aate hai, if order of a equal to n, then order of a to the power p will be also n if and only if p is prime to n. Ye bhi bahut ek simple sa problem hai. Agar order of a equal to n hai, to order of a to the power p bhi n hi hoga agar p prime to n hota hai. Theek hai? P if prime to n. The last property says that if order of a equal to n, then a square a to the power n minus 1 up to a to the power n, that is nothing but actually identity element, all are the distinct elements of G. अगर order of a equal to n होगा, तो ये जो n elements हम लोगों को मिल रहा है, सभी element क्या होना चाहिए, distinct होना चाहिए. कोई भी दोनों element यहाँ पे same नहीं होगा. अगर same हो जाता है, तो order of a equal to n नहीं रहेगा, उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारा जो प्रॉपर्टी मैंने अभी तुम लोगों को बताया है, ये सभी प्रॉपर्टी से जो जो प्रॉब्लम एग्जाम में सेवरल टाइम्स रिपीट हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम ये है, लेट जी नॉट बी ए ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18. तो ये तुम लोग को देख के ही पता चल जाएगा हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3. डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 30 है. ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18 इज नथिंग बट ए टू दी पावर सम पॉजिटिव इंटीजर. सो ए टू दी पावर एम, तो एम का वैल्यू है 18, और एम एन का वैल्यू है 30. तो ये यहाँ पे क्या होगा, एन बाई जीसीडी ऑफ एम एन, दैट इज 30 बाई जीसीडी ऑफ 30 एंड 18, दैट इज इक्वल टू 30 बाई 6 इक्वल टू 5. तो सिंपल एक लाइन में हम लोग को ये इसका वैल्यू मिल गया, ऑर्डर मिल गया, ठीक है, बहुत ही आसान. और वी कैन अप्लाई द सेकेंड मेथड. यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या है, मैंने यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अगर तुम लोग एग्जाम में ये फॉर्मूला याद में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 2 से करेंगे, प्रॉपर्टी 2 से करेंगे. प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा था, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड ए टू दी पावर एम इक्वल टू ई, देन एम मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ एन. तो इसका ऑर्डर हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18 इक्वल टू एम. ओके, सो इफ ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18 इक्वल टू एम, दैट मींस एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए टू दी पावर 18 इनटू एम दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट.
That is nothing but the definition of order of an event. Now order of A equal to 30. So order of A equal to 30 and A to the power 18m that is equal to identity element. So iska matlab kya hoga? 30 kisko divide karega? 18m ko divide karega. तो 30 divides 18m. तो m का कोई भी एक वैल्यू चूज करो, लिस्ट वैल्यू चूज करो, पॉजिटिव वैल्यू, जिसके लिए 30 18 इंटू m को डिवाइड करता है. तो उसका वैल्यू क्या होता है? m होता है, 5 होता है. m इक्वल टू 18 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा? 90 होगा. तो 90 तो 30 से डिवाइड हो रहा है. तो पहला जो m का वैल्यू है वो है 5. उसके बाद क्या होगा? 10 होगा. उसके बाद क्या होगा? 15 होगा. तो वो m का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा. तो पहला जो m का वैल्यू मिल रहा है, जो वो मिल रहा है 5, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 30 18 m को डिवाइड करता है. तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18 विल बी इक्वल्स टू 5. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. लेट g नॉट बी ए ग्रुप ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 70, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 31. तो a टू द पावर 31, 31 क्या है? प्राइम नंबर है ना. और 70 के साथ 31 का रिलेशन क्या है? दोनों प्राइम टू इच अदर है. तो इफ दे आर प्राइम टू इच अदर, देन ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p विल बी इक्वल्स टू व्हाट? n, सिंपली n. दैट इज ऑर्डर ऑफ a विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p. दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. सो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 31 भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहां पे दो टाइप का प्रॉब्लम आता है एग्जाम पे. मैं तुम लोगों को ये अच्छे से समझा देता हूं. ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. देखो, इन ए ग्रुप जी नॉट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, एक रिलेशन है. ऑर्डर ऑफ ए 5 है तो इसके मतलब ए टू दी पावर 5 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. और यहाँ पे ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये एक रिलेशन गिवन है. क्लियर? अगर ये रिलेशन गिवन है तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ बी फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बी. क्लियर? नाउ ये रिलेशन जो भी रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे जब तक हमारा ए टू दी पावर 5 नहीं मिलता है. एक टेक्निक मैं तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ. तो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा? इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट के साथ कंपोज करना है और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ ही कंपोज करना है, तभी जाके स्क्वायर होता है. यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो एलजेब्रा में करते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, वैसा नहीं है. ठीक है? एलजेब्रा में नहीं है, जो हम लोग चाइल्डहुड से सीख क्या रहे. स्क्वायर मतलब ये होता है. यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कंपोज करेंगे. ठीक है? स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लीकेशन हर वक्त नहीं होता है. यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है कंपोज करेंगे. तो ए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर लेने के बाद क्या होता है? देखो, ए बी ए इनवर्स होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी टू दी पावर 4 हो जाएगा. बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा. स्क्वायर कर रहे हैं ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कंपोज करेंगे तो क्या होगा? बी टू दी पावर 4 होगा. अभी इसका मतलब क्या होगा? ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स, या फिर कंपोज भी कर सकते हो. यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन साइन नहीं है, इसीलिए मैं इनटू कह रहा हूं. लेकिन अगर एग्जाम पे कंपोजिशन साइन रहेगा बीच में, तो तुम लोगों को कंपोजिशन लिख के ही पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. कंपोजिशन को हटाना मत, वरना तुम्हारा नंबर भी हट जाएगा. ठीक है? तो कंपोजिशन अगर रहेगा प्रॉब्लम के अंदर, तो कंपोजिशन को लिख के करना है. कंपोजिशन को हटाओगे तो तुम्हारा नंबर भी क्या हो जाएगा? खुद ब खुद हट जाएगा. ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक ए इनवर्स है और यहाँ पे ए है. तो ये जो है दोनों को एक साथ ले लो, ए इनवर्स और ए को दोनों को एक साथ ले लो एक ब्रैकेट के अंदर. तो ए इनवर्स और ए को अगर एक साथ में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? आइडेंटिटी हो जाता है. और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट को कंपोज करते हैं तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है. ठीक है? ये स्टेप अच्छे से समझो. ए इनवर्स इंटू ए हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई. ई के साथ अगर कोई भी एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा. ठीक है? तो ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू ई. तो ये एलिमेंट वैनिश हो चुका है, आइडेंटिटी हो चुका है, वैनिश हो जाएगा. तो बी इंटू बी होगा तो बीच में एलिमेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ए ए इनवर्स नहीं रहता है, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है? तो ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी टू दी पावर 4. अभी बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या मालूम है? बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है हम लोग को ए बी ए इनवर्स. ठीक है? तो बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मालूम है एंड दैट इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको बिठा दे रहे हैं. बी स्क्वायर का वैल्यू ए बी ए इनवर्स. अभी इसको ब्रैकेट को हम लोग अगर हटा देते हैं तो ए इंटू ए हो जाता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर. बीच में है बी और ए टू दी पावर माइनस वन, ए टू दी पावर माइनस वन, बोथ ए इनवर्सेस आर देयर, सो दैट इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस टू. तो पहला टर्म हम लोग इसको स्क्वायर किए हैं. स्क्वायर करने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर बी ए टू दी पावर माइनस टू इक्वल टू बी स्क्वायर बी टू दी पावर 4. फिर से स्क्वायर करेंगे इसको, द सेकेंड टर्म ए स्क्वायर बी ए टू दी पावर माइनस टू को स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करने के बाद आएगा ए क्यूब. तो हम लोग देख सकते हैं एक एक स्क्वायर कर रहे हैं और इसका पावर चेंज हो रहा है, ए का पावर चेंज हो रहा है. ठीक है? तो अभी तुम लोग एंटिसिपेट कर सकते हो, फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए टू दी पावर 4 आएगा. फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए टू दी पावर 5 आ जाएगा. हम लोगों का टारगेट ये है कि ए टू दी पावर 5 लाना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 5 है. क्लियर?
सो पहला स्क्वायर किया, यहाँ पे ए स्क्वायर मिला, राइट हैंड साइड पे बी टू दी पावर 4 है। फिर से स्क्वायर किया, यहाँ पे ए क्यूब मिला, राइट हैंड साइड पे क्या है, बी टू दी पावर 8 है। फिर से स्क्वायर करेंगे तो बी टू दी पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ए टू दी पावर क्या होगा, 4 होगा। फिर से स्क्वायर करेंगे इसको तो क्या होगा, ए टू दी पावर 5 हो जाएगा, और बी का पावर क्या होगा, 32। तो ए टू दी पावर 5 इक्वल टू ई, ए टू दी पावर माइनस 5 भी क्या होगा, ई इनवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे ई इनवर्स नहीं रहेगा, तो बी इक्वल टू बी टू दी पावर 32, तो बी टू दी पावर 31 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बी का लिस्ट पावर क्या मिल रहा है, उसके लिए ऑर्डर ऑफ बी माने बी टू दी पावर समथिंग इक्वल टू ई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छे से समझो। और एक प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखो, तुम लोगों को आसानी से हो जाएगा, क्लियर। दूसरा प्रॉब्लम है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ये ट्रिक तुम लोगों को मैं बताता हूं, देखो। लेट जी नॉट बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ई, अगर कोई प्रॉब्लम में ऐसा रहेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ए नॉट बी क्यू बी नॉट ए इक्वल टू बी टू दी पावर 4, रिलेशन कुछ भी रहेगा यहाँ पे उसको छोड़ दो, वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ई होना चाहिए, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 होगा तभी जाके जो मेथड मैं यहाँ पे तुम लोग को डिस्क्राइब कर रहा हूं ये हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर ए क्यूब रहेगा, ए टू दी पावर 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इससे सॉल्व करेंगे। अगर ए का पावर 2 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, देन ओनली वी विल गो फॉर द दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना है, लेकिन हम लोग को एक बात याद में रख के करना है, मैं ट्रिक बता देता हूं तुम लोगों को। यहाँ पे क्या है, बी का पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, बी का पावर 4 है। तो 3 और 4 क्या होता है, प्राइम टू इच अदर होता है। 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है, 12 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर करते करते कई भी जगह पे अगर बी का पावर हम लोग को 12 मिल जाता है, हम लोग वहां पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये है, बी का पावर यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड पे बी का पावर है 4, तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, दैट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। सो अगर एलसीएम लेंगे बी का दोनों पावर को, 12 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे अंटिल वी विल गेट बी टू दी पावर 12 एनी आइदर ऑफ द साइड। जब भी बी टू दी पावर 12 मिल जाएगा, हम लोग वहां पे उसको स्टॉप करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो ए नॉट बी क्यूब नॉट ए इक्वल्स टू बी टू दी पावर 4 है, स्क्वायर कर दिया मैंने, वही सेम टेक्निक है, बीच में जो ए आएगा हम लोग उसको एड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ई होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर अगर ई होता है तो वो वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे बी क्यूब के साथ कंपोज हो जाएगा और हो जाएगा उसका पावर 6। फिर से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 कंपोज होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और स्क्वायर नहीं करेंगे, यही स्टेप से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अभी देखो, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं या फिर 4 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं या फिर 4 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। 4 इंटू 3 से भी 12 आता है, 3 इंटू 4 से भी 12 आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग ने ए कॉम्पोज बी क्यूब कॉम्पोज ए से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग को क्या करना है, ए को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। अगर ए को तुम लोग राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लेके चले जाते हो तो बी क्यूब का वैल्यू क्या मिलता है, बी क्यूब का वैल्यू मिलता है ए इनवर्स कॉम्पोज बी टू दी पावर 4 कॉम्पोज ए इनवर्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बी क्यूब का वैल्यू मिलेगा ए इनवर्स कॉम्पोज बी टू दी पावर 4 कॉम्पोज ए इनवर्स, लेकिन ए का पावर कितना है, जिसके लिए आइडेंटिटी आ रहा है 2। ए स्क्वायर इक्वल टू ई का मतलब ये है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 मतलब होता है ए इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स और ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे बी टू दी पावर 4 इन टर्म्स ऑफ बी क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने बी क्यूब को इन टर्म्स ऑफ बी टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, बी टू दी पावर 12 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 4 टू दी पावर 3 से, 3 टू दी पावर 4 से नहीं करेंगे, 3 टू दी पावर 4 से रिप्लेस करोगे तो पहला जो टर्म था यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 12 आ चुका है, 12 जब भी आ जाएगा तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म होगा उस टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स पे एक्सप्रेस करेंगे। तो बी क्यूब को मैंने एक्सप्रेस किया है ए कॉम्पोज बी टू दी पावर 4 कॉम्पोज ए से, अभी बी क्यूब का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और ये 12 को हम लोग लिखेंगे 4 टू दी पावर 3 से, 3 टू दी पावर 4 करेंगे तो वो फिर से पहला स्टेप पे चला जाएगा, बैक करके सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 3 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू है बी क्यूब, तो इसका वैल्यू बी क्यूब होल टू दी पावर 3 हो गया, तो बी क्यूब टू दी पावर 3 दैट इज नथिंग बट बी टू दी पावर 9।
एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव बी टू द पावर 16। ये स्टेप को अच्छे से समझना है। 12 को हम लोग 4 टू द पावर 3 से भी लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 टू द पावर 4 से लिखेंगे तो पहला जो टर्म है वही पे चला जाएगा, क्योंकि 3 से ही हम लोग स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम को ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है और चेंज करके 4 टू द पावर 3 से लिखा है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर? ट्राई योर सेल्फ, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लो। अभी चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम भी दो बार आ चुका है एग्जाम पे। से ए बी बिलोंग्स टू जी, ए टू दी पावर 4 इक्वल टू ई। ठीक है, ये ए का ऑर्डर मालूम नहीं है, सिंपली कहा है ए टू दी पावर 4 इक्वल टू ई हो रहा है। ए बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए का वैल्यू ई होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ए बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर मालूम है। अभी बी को राइट हैंड साइड पे इनवर्स लेके कॉम्पोज करो बोथ साइड पे। तो बी इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे बी हट जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स इंटू बी कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर रह जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए बी। अभी हम लोग को मालूम है ए टू दी पावर 4 इक्वल टू ई है, तो ए को ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ए टू दी पावर 4 आ जाएगा। सिंपली टेक होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी हैव दिस क्वांटिटी ए टू दी पावर 4। सो ए टू दी पावर 4 इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको बाद में लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो बी इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी, तो बी इनवर्स इंटू बी पहले एक बीच में फिर से आएगा एंड बी इनवर्स इंटू बी विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ये टर्म वैनिश हो जाएगा। अभी तुम लोग जानते हो कैसे वैनिश हो रहा है, दोनों प्रॉब्लम मैं तुम लोग को बता चुका हूं। ए इंटू ए हो जाएगा बीच में ए स्क्वायर इंटू बी, तो बी इनवर्स ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए टू द पावर 4। फिर से बी से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई करो, तो प्री मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स ए स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर 4, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, बी बी इनवर्स इक्वल टू वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी होगा, ए स्क्वायर इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर 4। अभी ए टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है, ई है, तो ए टू द पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे ई बिठा दो, ई इंटू बी क्या हो जाता है, बी हो जाता है, तो ए स्क्वायर इंटू बी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू बी। क्लियर? नाउ वी कैन सी दैट ए स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू बी, बट वी वांट टू वांट दैट इज बी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, बी ए स्क्वायर तो नहीं है ना, तो बी ए स्क्वायर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी से प्री कंपोज करेंगे। तो फिर से बी से प्री कंपोज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी इंटू बी होगा, तो यहाँ पे बी इंटू ए स्क्वायर हो गया, बाहर बी को छोड़ दो, यहाँ पे बी इंटू बी हो जाता है। अभी बी ए स्क्वायर को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बी ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू बी, तो बी ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू बी, तो बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को ई से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ई इंटू बी स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करो, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो कितना टाइम्स आया है मुझे भी मालूम नहीं है, बहुत टाइम्स आ चुका है प्रॉब्लम पे, बहुत बहुत टाइम आ चुका है। दो लाइन का सिंपल प्रॉब्लम है, देखो, शो दैट द ग्रुप इज एबेलियन इफ एंड ओनली इफ, नेसरियन सफिशिएंट कंडीशन, ए नॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एबेलियन है, तो एबेलियन पकड़ के ये दिखाएंगे, उसके बाद ये पकड़ के हम लोग एबेलियन प्रूफ करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट वी एज्यूम दैट जी नॉट इज एन एबेलियन ग्रुप, तो अगर ये एबेलियन होगा तो ए नॉट बी विल बी इक्वल टू बी नॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए नॉट बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी, तो बी नॉट ए बीच में आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बी नॉट ए ला सकते हैं। बी नॉट ए का मतलब क्या है, ए नॉट बी है, क्योंकि ग्रुप एबेलियन मैंने पकड़ा है, तो बी नॉट ए का मतलब हो जाता है ए नॉट बी। क्लियर? सो ए नॉट बी, तो ए नॉट बी यहाँ पे है, तो फिर से तुम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो ए के साथ ए को ले लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और बी के साथ बी को ले लो, तो ए नॉट ए कंपोज बी नॉट बी, तो ए नॉट ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया, बी नॉट बी का मतलब बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर आ गया। क्लियर? कॉन्वर्सली हम लोग एज्यूम करते हैं ए नॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर, और हम लोग को दिखाना है जी नॉट एबेलियन है, तो ए नॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तोड़ दिया मैंने इसको, ए नॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट बी कंपोज ए नॉट बी दैट इज इक्वल टू ए नॉट ए नॉट बी नॉट बी। सिंपली ए को लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर रख के बी नॉट ए को हम लोग ले जाते हैं अंदर, यहाँ पे बी को छोड़ देते हैं, और यहां से भी ए को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के ए नॉट बी को अंदर ले जाओ और बी को बाहर छोड़ दो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप का एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर में कहा था, और बी राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू द राइट कैंसिलेशन लॉ। तो बाय बोथ साइड कैंसिलेशन लॉ ए विल बी कैंसिल्ड आउट एंड बी विल बी कैंसिल्ड आउट, सो वी लेफ्ट विथ बी नॉट ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव ए नॉट बी। तो बी नॉट ए अगर ए नॉट बी हो रहा है तो ये क्या हो गया,
एबिलियन ग्रुप हो गया। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसका जनरलाइज प्रॉब्लम है, स्क्वायर देके कहा है और ये होल टू द पावर एन है, ठीक है। मैं इंडक्शन से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तुम लोग एक बार देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा। और दो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द ग्रुप विथ थ्री एलिमेंट्स इज एबिलियन, ठीक है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको समझ लेते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप कंटेन थ्री एलिमेंट ई ए एंड बी, जहां पे ई है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर। ग्रुप के अंदर तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए और सभी एलिमेंट का इन्वर्स होगा। अभी देखो ए का इन्वर्स अगर ए खुद होता है और बी का इन्वर्स बी खुद होता है, तो ए नॉट बी का इन्वर्स वैल्यू क्या होता है, ए नॉट बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स नॉट बी इन्वर्स, दैट इज इक्वल्स टू बी नॉट ए होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी नॉट ए, ठीक है। क्योंकि सभी एलिमेंट क्या हो रहा है, सेल्फ इन्वर्स हो रहा है। तो अगर सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होगा तो बी नॉट ए का भी इन्वर्स क्या होगा, बी नॉट ए ही होगा। एवरी एलिमेंट इज ऑफ सेल्फ इन्वर्स, तो ए नॉट बी का वैल्यू क्या हो जाता है, बी नॉट ए होता है। तो ग्रुप क्या हो गया, एबिलियन हो गया। तो अगर a इक्वल्स टू b, a इनवर्स b इक्वल्स टू b इनवर्स नहीं होता है तो क्या हमारा पास ऑप्शन बचता है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है a इनवर्स इक्वल टू b और b इनवर्स इक्वल टू a। इसका मतलब a b का इनवर्स है, b a का इनवर्स है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, a नॉट b क्या होगा, a नॉट b a इनवर्स, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और a इंटू b और b इंटू a b क्या होता है, b नॉट a b e होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं a नॉट b और b नॉट a क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसके लिए भी क्या होगा, ग्रुप एबिलियन होगा, ठीक है। प्रूफ हो गया, तीन लाइन का प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम यह है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ सेल्फ इनवर्स, देन प्रूव दैट जी इज एबिलियन, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ सेल्फ इनवर्स, देन प्रूव दैट जी इज एबिलियन। अगर सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए इनवर्स है, बी इक्वल टू बी इनवर्स है, तो सभी एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है तो ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। तो समझ लो मेरे पास दोनों एलिमेंट है ए बी, ए ए का इनवर्स है, बी बी का इनवर्स है, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, बी इक्वल टू बी इनवर्स, सभी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद है। तो a नॉट b क्या होगा, a इनवर्स नॉट b इनवर्स, a का वैल्यू मैंने बिठा दिया, b का वैल्यू मैंने बिठा दिया। तो a इनवर्स नॉट b इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, b नॉट a होल इनवर्स, पहला प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को कहा था ग्रुप थ्योरी पे। तो b नॉट a का इनवर्स क्या होगा, b नॉट a ही होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या हो रहा है, सेल्फ इनवर्स हो रहा है ना। तो b नॉट a किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, तो b नॉट a का इनवर्स b नॉट a ही होता है। तो b नॉट a होल इनवर्स इक्वल्स टू b नॉट a, तो a नॉट b इक्वल्स टू b नॉट a, दैट मींस ग्रुप इज एबिलियन।